देखिए फ्रेंड्स, हमें जैसे तवा इसमें रख डाल के अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इससे कच्ची स्मेल चल जाएगी। अच्छे से लाइट से भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे तो ये दाग लग जाएंगे जल्दी से, ऐसा धीरे आंच से। इसे 1 kg सीजम सीड्स को हम 1 kg गुड़ भी लेना है। गुड़ भी आप अच्छे से चेक करके लीजिए। इस तरह से हम थोड़े थोड़े बनाते हुए थोड़े थोड़ा भूनना है, एकदम ज़्यादा भी मत भूनिए। ऐसा बाजू में एक बॉल में, कढ़ाई में या किसी भी एक सब पे निकाल के रखें। इस तरह से अच्छे से भूनो। अब हम इसे मिक्सी जार में डालने जा रहे हैं ब्लेंड करने के लिए। देखिए जैसे थोड़ा थोड़ा डालकर हम उसे ब्लेंड कर साइड पे इस तरह से पाउडर बनाकर साइड में रख लीजिए। ऐसा हम लोग फाइन पाउडर नहीं है, थोड़ा कच्चा पक्का मानना है कि इस तरह से नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें गुड़ डाल के थोड़े से थोड़ा थोड़ा बनकर पीस लेना है। इसमें ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज है बनाने के बाद फिर इस मिक्सर जार में थोड़ा रख लेके इस गुड़ को वैसे डाल के इसको हम अच्छे से पीसना है। और थोड़ा ये भी डालेंगे तिल का पाउडर, दोनों मिलाकर पीसेंगे तो आपको अच्छे से फाइन पाउडर आएगा गुड़ का भी। खोपरे को मैंने ऐसे ग्रेट करके रख लीजिए साइड पे, मैंने इसे रख लिया है साइड पर। एक खोपरे का एक हथा ना हॉक वो बस है, काफ़ी है 1 kg की तिल के लिए 1 kg गुड़ डालना है। और हमें से एक हॉफ खोपरे का चिप्पा लेकर बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब है गुड़ और तिल दोनों मिला के हमें पूरा टेक्सचर को ऐसा पीस कर रख लिए हैं। अब हम इसमें जो एक खोपरे को ऐसे ग्रेट करके रखे हैं ना, उसको हम इसमें इस तरह से डालें। अच्छे से अब हम इसको तिल और गुड़ ये खोपरा सब कुछ अच्छा मिक्स हो जाए जैसा मिला लेना है। इसमें हम ऑप्शनल है इलायची की पाउडर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, आपको फ्लेवर होना है तो डाल सके या नहीं तो नहीं। बहुत हेल्दी एंड हेल्दी है, कैल्शियम भरपूर रहेगा, मिल्क पीने से 4 गुना ज़्यादा है ये खाने का इफेक्ट अपने बॉडीज को। सो बच्चों को छोटे जब से ही अपने बचपन से ही इसको खिलाना सिखा दीजिए। वीकली डे बाय डे खा सकते हैं। रेगुलर खाएंगे तो आपको बॉडी को ज़्यादा हीट हो जाएंगी, तो आप लोग अच्छे से पानी पीना है 1 से 4 लीटर तकरीबन हर रोज़ पियेंगे तो आपके जिस्म की हीट या बैड कोलेस्ट्रॉल है सब कुछ नहीं होता है, हेल्दी से रहते हैं। देखिए फिर इस तरह से हमको बॉल्स बनाना है, छोटे या बड़े आपकी मर्जी है, मैक्सिमम स्मॉल ही अच्छे लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑयल भी है विदाउट घी, इसमें सिर्फ आपको घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टोर भी अच्छे से कर सकते हैं। फ्रिज में मत स्टोर कीजिए क्योंकि ये खट बन जाएंगे तो खाने के लिए अच्छे नहीं लगेंगे। आप ऐसे बॉल्स बना के साइड पे रख लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, आज के ज़माने में हेल्दी फूड खाना सबको दिक्कत है, क्योंकि ये सब कुछ अपने टांग पर टेस्ट नहीं लगेंगे, लेकिन जिस्म को हेल्दी से रखेंगे। जो टांग को टेस्ट लगेगा तो अनहेल्दी ही होगा। ऐसे हम सारे बाल्स को बना के रख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे लड्डू बना के रख दिए हैं। इसे अच्छे से 8x8 कंटेनर में स्टोर कर लेके रख लीजिए। वीकली 3 लड्डू खाए, जैसा आपने इसके डे बाय डे 1 लड्डू खा लीजिए। अच्छे से हेल्दी एंड हेयर के लिए भी अच्छा प्रोटीन है। देखिए कितना शाइन भी लग रहा मेरा हाथ, क्योंकि इसका ऑयल, ऐसे लड्डू बनाते वक्त इसका ऑयल है सब कुछ ये इसके। प्लीज, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट में बता दीजिए।